नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, लेकिन उनको ये भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूँ, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है, तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर आज उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। नीतीश कुमार बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस बात का भ्रम उनको हो गया है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है। नीतीश कुमार आज अपने इर्द गिर्द सब बेवकूफ लोगों को बिठाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, आज बिहार में ऐसे नेता हैं जिसको नाम लिखना नहीं आता है, और वहीं नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। बिहार में नेता ऐसे ही बनता आया है जो शर्ट के ऊपर गंजी पहनता हो और अपने को जमीनी नेता कहलवाने का दावा करता हो। आज नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे हैं तो सबको लग रहा है कि वो विद्वान आदमी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, मगर वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। आज नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार लोग हजारों की संख्या में बिहार में है। आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और नीतीश कुमार का अहंकार सबसे बड़ा है। देश में है बिहार सबसे फिजदी है और बात ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज आरजेडी का एमपी जीरो है, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे बात ही नहीं करते हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय कर रहे हैं। देश में बिहार सबसे गरीब और फिजदी है और नीतीश कुमार बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया है। प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।